दरअसल आज फिर एक और बार एक करिश्मा भरी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और दिखा रहे हैं उसको। दरअसल बामली में एक बकरा है, जिस बकरे के ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ के जो मौलाना है वो दावा कर रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ सच में इस पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ के जो मोल साहब हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर कहाँ पर लिखा है, और वो अपनी उंगलियों के जरिए से वो हमें बताएगा कि कहाँ पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। पहले तो नाम बता दीजिए, नाम देख ना रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। इस बकरे पर जब मैंने देखा, जिसका बकरा है भाई मुझको लेकर आया, उसने कहा कि मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा कि इस पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना नहीं कहता कि जितना मैंने पढ़ा है। मैं अपने नज़रिए के एतबार से जितना मैं देख रहा हूँ कि किताबों के हवाले से जो देखा है, जिस जहाँ तक मंडा देखा है, इन बालों के अंदर जैसा मैं देख रहा हूँ मोहम्मद में लिखा हुआ बताऊँगा। एक तरफ अरबी में है और एक तरफ उर्दू में लिखा हुआ है। जो अरबी में है, अगर वहाँ से एक तरफ देखिए जहाँ अरबी में है, दूसरी तरफ नहीं है, तो अरबी का जो लफ्ज़ है यहाँ से मोहम्मद लिखा हुआ है, यहाँ से तो मोहम्मद यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर हम यहाँ से मोहम्मद को यूँ लाते हैं, यहाँ आकर है नहीं, नीम बन जाता है यहाँ। अच्छा मैं मोर्चा एक बार मैं कहूँ, थोड़ा पास में आ जाइए, एक बार उंगलियों के जरिए से आप हमको एक बार बताइए कि कहाँ पर लिखा है उंगली। यहाँ से नीम शुरू हो रहा है जी जी, और यहाँ से शुरू होकर यानी ये हा बन गई जी, मोहम्मद जी हा बन गई है यहाँ से जी। यहाँ से जो लकीर आ रही है यहाँ के बाद में यहाँ मीम बन रही है जी। ये जो परली तरफ भी है कुछ, परली तरफ मोहम्मद है उर्दू में। एक बार वो दिखाना परली तरफ वाला, ऐसे दिखा देते हाँ जी, बताइए। परली तरफ जो ये मोहम्मद है ये उर्दू में है, यहाँ से मीम शुरू होता है यहाँ से जी, और ये हा बन गई यहाँ से जी, फिर यहाँ से आकर यहाँ मीम बन रहा है जी, और यहाँ दाल आ गई यहाँ नीचे यह रही। करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो भी भेजते हैं वो अपनी कुदरत से ही देते हैं। या तो ये कहेंगे कि जिसके बकरे पर ये है उसके बच्चों का नसीब अच्छा है, या फिर ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ इंसानों को ये दिखाना चाहता है कि मैं वो हूँ जो हर चीज़ को पैदा करने वाला हूँ। हर चीज़ को पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो किसी भी चीज़ को पैदा कर सके। अल्लाह खालिक है, वही मालिक है। वो ये दिखाना चाहता है मैं बगैर वजूद के एक बालों से एक बकरे के जो माँ के पेट के अंदर है और कई कई चिड़ियों के अंदर रहता है, अंधेरी कोठड़ियों से निकल कर आता है। तो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा करिश्मा देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरे के अंदर, उस बकरे के जिस्म पर मोहम्मद लिख दिया है, उस अंधेरी कोठड़ी के अंदर जहाँ इंसान की नजर नहीं पहुँच सकती। मोहम्मद लिखी है, अल्लाह ने लिखी है। हाँ, अल्लाह ने लिखी है। मोहम्मद लिखा हुआ है, आपको कब पता चला इस पर मोहम्मद लिखा हुआ? मैंने ऐसे ही मेरा साड़ा लोटा पड़ा था, ये बकरा चल रहा था, उसने देखा मोहम्मद लिख रहा, जब भी नहीं तब से किया। फिर मैं कामा गया, कामत उसके पास उसने ये बोला क्लियर तो दिख रहा, तुमको नहीं दिखा है? भाई हमको क्या पता, हमको सब पढ़े हम बराबर, हम पढ़े लिखे ही नहीं। मैं मौल साहब ले का, ये कब का मामला है? ये कम से कम एक महीना हो गया। एक महीना का मामला? तो अभी बकरे, ये जो बकरा है आपका घर का बकरा था, तो घर का बकरा तो आप इसको बेचने सोचा है? यही लगा देगी काट के बताओ तू ना आज पर पड़े हाँ। अब जो कुछ पढ़ होगा जब 84 रकम सम बेटा 70 15 76 23 बढ़िया परिवार है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया बकरा है। और ये इसके परेशानी निकाल रहे हैं, ग्रेट निकल रही है, पीड़ी बढ़ रही है, हटाया तब हटा थोड़ा सा बकरा है, एक्सीडेंट कहां तक रहना है सर? बात करे तो बढ़िया चलाए, कोई दिक्कत ही ना।